वंदे मातरम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स बाय पीएसएम। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड इट्स ग्राफ आल्सो, एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 20 आल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बच्चों बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू एक फंक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से एक्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमेशा जो आउटपुट होता है हमेशा वो क्या होता है, इंटीजर ही मिलेगा आपको। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5.2 आपने नंबर लिया प्लस में चाहे नेगेटिव में, तो आउटपुट हमेशा क्या देगा, इंटीजर। देखिए 5.2 का क्या दे रहा है 5, 7.5 का क्या दे रहा है 7, और यदि सिंपल नंबर इंटीजर होगा तो भी क्या देगा, इंटीजर देगा। तो अब देखिए 5.2 का 5 ही क्यों दिया, देखिए इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 5.2 हमने नंबर लाइन बनाया, ओके 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा, 5.2 यहां कहीं आएगा बच्चों पॉइंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5.2 को जस्ट लेफ्ट की बात करेंगे, तो जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर मिलेगा आपको, 5 ही मिलेगा। ओके, और तो कोई मिलेगा नहीं कि 4.99 मिल जाएगा, 5.2 के जस्ट लेफ्ट में क्या मिलेगा 5, तो हम क्या करेंगे इसको, इसका आंसर क्या मिल जाएगा 5। इस तरीके से 7.5 यहां कहीं आप करते प्लॉट करते तो 7.5 के जस्ट लेफ्ट में क्या मिलता आपको, इंटीजर 7, तो इसका आंसर क्या आ जाता 7। हम बात करते 5 की, तो 5 के लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है, 5 ही है। 4 की बात करते तो 4 के लेफ्ट में इंटीजर कौन सा, 4। अब बच्चों एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये ग्रेटर इंटीजर क्यों कहा जाता है। ओके, देखिए 5.2 से 5 ले रहा है, 7.5 से 7 ले रहा है, इससे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्यों, क्योंकि इसका जो कलेक्शन होता है लेफ्ट में जितने भी इंटीजर उनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, यही होता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए 5.2 की बात की, इसके लेफ्ट में ये सारे कलेक्शन आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो इसमें बड़ा कौन सा है, यही नंबर बड़ा है। ओके, इसके तो इस तरीके से हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो ये याद रखिएगा, जीआईएफ में नंबर लाइन में जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वही उसका आंसर होगा, वाई वी कॉल इट ग्रेटर, यहां मैंने नोट में मेंशन कर दिया है, नंबर लाइन पर लेफ्ट में जितने भी इंटीजर का कलेक्शन उनमें सबसे बड़ा। ओके, चलिए अब ग्राफ की बात करते हैं बच्चों, ग्राफ ऑफ अ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो उससे पहले कुछ चीज देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमने एक्स इक्वल टू 1 लिया, तो इसमें जैसे ही 1 रखेंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में बॉक्स में, तो अंदर आउटपुट क्या मिलेगा हमको 1। अब बच्चों हमने 1.1 लिया तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, 1.2 भी करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, आपको मालूम है जस्ट लेफ्ट में इंटीजर लेते हैं तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा 1, 1.5 लिया तब भी क्या मिला 1, 1.99 लिया तो भी क्या मिला 1, 1.99999 भी लिया तो भी क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ये तो क्लियर है आपको। अब देखिए बच्चों हम जो पहला फंक्शन ले रहे हैं, पहला इंटरवल क्या रहे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2। ओके, इस तरीके से बना क्लोज इंटरवल ओपन, तो क्लोज इंटरवल का मतलब वो वैल्यू को भी शामिल करना, और ओपन इंटरवल मतलब वो वैल्यू को शामिल नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना। तो 1 से लेकर 2 तक हम वैल्यू रखेंगे, इसमें इनपुट देंगे तो 1 को भी लेना और 2 को नहीं लेना, 2 से छोटी ले लीजिए 1.999 जो भी लेना, लेकिन 2 नहीं लेना। ओके, तो हमने देखा ये वैल्यू रखी 1 से रखी, रखते गए 2 से छोटे तक, तो इनपुट क्या मिल, आउटपुट क्या मिल रहा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, क्योंकि 2 नहीं रख रहे थे हम। अब 2 से 3 के बीच में बच्चों रखेंगे तो देखिए 2 रखा तो 2, 2.0 रखा तो 2, 2.2 रखा तो 2, 2.99 भी रखोगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा 2, और 3 रखने पर क्या मिलेगा 3, लेकिन हम ओपन इंटरवल लगा दिया है, 3 को शामिल नहीं करना। तो आपको समझ में आ गया 1 से जब 2 की बात करेंगे इंटरवल में तो आउटपुट क्या मिल रहा है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में 1 मिल रहा, 2 से 3 में आउटपुट क्या मिल रहा 2, 3 से 4 में क्या मिल रहा 3, 4 से 5 में क्या मिल रहा। तो आप कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं, ये देखिए पहला क्लोज इंटरवल के पास में लिखा है 1, तो वही इसका आउटपुट हो जाएगा, ये 2 था तो 2, ये क्लोज इंटरवल में 3 है तो 3, यहां क्लोज इंटरवल में 4 है तो 4, ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, अब बच्चे यदि नेगेटिव की बात करें हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास -1.2 होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, कुछ बच्चे डायरेक्ट क्या बोलते थे -1। ओके, लेकिन ये गलत है, आंसर क्या आएगा -2। कैसे, देखिए नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2 किया तो -1.2 बच्चों यहां कहीं आएगा -1 से लेफ्ट में, तो इसका -1.2 के लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है -2, इसलिए इसका आंसर क्या है -2। तो -2.6 में क्या आ जाएगा -3, -3.4 में क्या, 4 में क्या आ जाएगा -4। तो नेगेटिव ग्रेट इंटीजर में, ग्रेट इंटीजर फंक्शन में इनपुट देता हूं, आउटपुट क्या मिलेगा एक नंबर, आगे आप ऐड कर सकते हो ऐसा इस तरीके से, तो -1 की जगह -2, -2 की जगह -3, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देख लीजिए -5.8 होगा तो बच्चों क्या मिला -6, -7.6 था तो -8, ये आपको क्लियर हो गया। ओके, और नंबर वही वैल्यू रहेगी तो वही मिलेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, 7 था तो 7, -1 था तो -1। ओके, अब ग्राफ की बात कर लें तो हमने देखिए हमने इस तरीके से नंबर प्लॉट कर रहे थे, 1 से 2 में क्या मिल रहा था आउटपुट 1, 2 से 3 में 2, 3 से 4 में 3, 4 से 5 में 4, 5 से 6 में 5, तो हमने क्या किया ग्राफ बनाया, तो देखिए पॉजिटिव में 1 से 2 जब लेंगे वैल्यू बच्चों तो क्या मिल रहा है 1, यानी 1 की नंबर लाइन में। ओके, तो 1 में हमने क्या किया, यहां डार्क कर दिया, डार्क क्यों कर दिया, यानी इसको शामिल कर रहा है, और 2 में क्या लगा दिया, एक नोड लगा दिया ओपन सर्कल, तो इसका मतलब क्या, ये 2 को शामिल नहीं कर रहा। फिर 2 से 3 के बीच में देखिए आउटपुट क्या दे रहा है 2,
तो वाई में देखिए टू आ गए, टू को हमने डार्क कर दिया और ये जो टू से थ्री पे जो लाइन जा रही है इसको सर्कल कर दिया। देन फोर, फिर आपका थ्री से फोर में क्या जा रहा है, थ्री मिलेगा तो थ्री को शेडेड कर दिया, डार्क कर दिया, फोर वाले सर्कल को इस तरीके से छोड़ दिया। ओके, तो आप ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड पीछे भी हम आ जाएंगे। तो हमने देखा क्या मिला, हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि जो ग्राफ इस तरीके से फॉर्म है, क्या है, ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ लैडर। ये देखिए एक लैडर दिख रही है, लैडर या स्टेप, आप स्टेयर बोल सकते हैं सीढ़ी के जैसे। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ग्राफ इस तरीके से होता है, कंटीन्यूअस तो नहीं है, आपको क्लियर दिख रहा है इंटीजर पे कंटीन्यूअस क्या नहीं, क्या सभी में ब्रेक हो रहा है। ओके, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसका जो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है एट इंटीजर पॉइंट। इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या बोला, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय जी ऑफ, सॉरी एफ नहीं, फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एफ इज दस डिसकंटिन्यूअस एट एक्स एट ऑल इंटीजर पॉइंट। ये सभी इंटीग्रल पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और ये डिपेंड कर रहा है ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स को। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं सी क्या है, कोई इंटीजर, इंटीजर की बात कर रहे हैं तो हमने क्या मान लिया, सी भी कोई इंटीजर। ओके, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस जी ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू जैसे जीरो करेंगे तो फंक्शन में एक्स क्या आ जाएगा, सी माइनस एच। इसका मतलब पूरे फंक्शन में क्या रख दीजिए आप, सी माइनस एच। तो यहां पर सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच रख देंगे। अब देखिए सी माइनस एच इसको तो सॉल्व करना आता है, अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की बात करें कैसे सॉल्व करते बच्चों, यहां देखिए फॉर एग्जांपल 5.5 माइनस एच किया हमने, सी की जगह क्या है कोई इंटीजर 5, 5 माइनस एच किया, हम कोई नंबर बिल्कुल छोटा नंबर माइनस करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कोई आंसर आएगा। ओके, तो इसका आउटपुट क्या मिल रहा हमको, 4 मिलेगा। ओके, इसका मतलब जब 5 माइनस एच करेंगे तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 5 माइनस 1 करने पे। तो इसका मतलब जब भी सी माइनस एच होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, सी माइनस 1। क्लियर है, अब जैसे प्लस कर देंगे 5 में कुछ छोटी सी वैल्यू में ऐड कर दी तो 5 पॉइंट समथिंग आई तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 5। ओके, तो 5 प्लस एच में क्या मिल रही है, वही वैल्यू। तो हमने डिफाइन कर दिया कि सी माइनस एच में जो आउटपुट होगा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है बच्चों, सी माइनस 1। ओके, यहां देखा आपने 5 में से कुछ कम किया तो 4 आ रहा था, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, सी माइनस एच रखने पर सी माइनस 1 और सी प्लस एच रखने पर सी और सी रखने पर सी ही होगा। तो हमने क्या किया, ये मान लिया था। अब देखिए हमने यहां तक कर लिया था, लिमिट एस टेंस टू जीरो इन ब्रैकेट सी माइनस एच और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर भी सी माइनस एच रख दिया, तो सी माइनस एच की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, सी माइनस 1। तो यहां पर हमने रख दिया सी माइनस 1, ब्रैकेट ओपन किया बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, c माइनस एच माइनस सी प्लस 1, सी सी कैंसिल आउट होगा, क्या बचा 1। अब राइट हैंड लिमिट में चेक करिए, लिमिट x टेंड टू c प्लस g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, अब g ऑफ x ऐसे क्या हो जाएगा, c प्लस h, जैसे ही h टेंड टू 0 करते तो x को रिप्लेस कर देते c प्लस h से, जैसे यहां पे हमने c माइनस h किया था। अब रख दीजिए x c प्लस h, ये रख दिया, तो हमारे देखिए ये तो ब्रैकेट सिंपल वाला चल जाएगा, अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में c प्लस h में आउटपुट क्या देगा, c देगा, तो हमने रख दी वैल्यू। ओके, अब c प्लस h माइनस c इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। कैसे, देखिए पॉजिटिव सी और नेगेटिव सी कैंसिल आउट हो गया, एच की वैल्यू क्या है, जीरो, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। अब जी ऑफ सी उसी पॉइंट पर निकालें तो क्या हो जाएगा, सी माइनस सी, तो सी एज इट इज जाएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन सी का आउटपुट क्या मिलेगा, सी मिलेगा, तो सी माइनस सी जीरो। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 0, जी ऑफ सी क्या है, जीरो, तो ये कंटिन्यूस को फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। इसको पॉज करके अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 20 ईजिएस्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। बोला वो ये जो फंक्शन है क्या एक्स इक्वल टू पाई यानी 180 पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जैसे एच टेंड्स टू जीरो करते हैं तो फंक्शन में क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच, तो पूरे फंक्शन में जहां भी एक्स पाई माइनस एच से रिप्लेस कर दीजिए, तो पहला क्या आ जाएगा, पाई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन इंटू पाई माइनस एच प्लस 5। अब बच्चे इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, आपका एच की वैल्यू जीरो रख दीजिए। ओके, तो क्या आ जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन 180 माइनस थीटा करें तो साइन पाई आया। कैसे, अब देखिए नहीं आता तो कैसे बनाते हैं, इसको ऐसा करते हैं, साइन 180 को पाई को क्या लिख सकते हैं, साइन 180, और साइन 180 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, 2 है, तो साइन 2 को क्या बना सकते हैं, 2 साइन इंटू कॉस है। ओके, अब एक ही वैल्यू क्या थी 90, कॉस की वैल्यू क्या थी 90, तो साइन 90 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है 1, और कॉस 90 यानी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, तो साइन पाई की वैल्यू 0। ये सॉल्व करने का तरीका बताया, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चे याद कर लेते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, आप कर लीजिए। ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू क्या मिली, जीरो, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो ये तो जीरो गया, तो क्या मिला हमको आंसर, पाई स्क्वायर प्लस 5। राइट हैंड लिमिट चेक करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब जैसे एच टेंड्स टू जीरो किया तो फंक्शन क्या रिप्लेस हो जाएगा, एक्स पाई प्लस एच से, तो पूरे फंक्शन में पाई प्लस एच कर दीजिए, पाई प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस साइन इंटू पाई प्लस एच
प्लस 5, या फिर आप वैसे भी डिफाइन कर सकते थे साइन 180 माइनस थीटा में, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा में हमको वैसे शायद नहीं हो रहा था, एच की वैल्यू रखकर आप ऐसे ही कीजिएगा जैसे आपको बता रहे। तो साइन 180 प्लस थीटा आपका किया, ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन माइनस साइन पाई आया इसी तरीके से, ओके, एच की वैल्यू जीरो रख दी हमने। अब सॉल्व किया तो साइन पाई की वैल्यू क्या थी, जीरो, तो क्या मिला आपको, पाई स्क्वायर प्लस 5। और फंक्शन एट अ पॉइंट यानी पाई रखने पर, तो पाई रख दीजिए, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई की वैल्यू क्या थी, जीरो आपकी, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आपकी फंक्शन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए यही आया, राइट हैंड लिमिट भी यही आया, और फंक्शन एट अ पॉइंट भी यही आया। तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।